नमस्कार, सीएमएन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कनिका। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के सिद्धार्थनगर की, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां पिकअप ने 25 वर्षीय युवक को कुचल दिया। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फलन में उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरा नाम ध्रुवराज है, मैं बाजारडीह का रहने वाला हूँ। वो एक्सीडेंटल जो लड़का मरा है वो हमारे साले का लड़का है। यहाँ मजदूरी के निस्बत में आया था और मिस्त्री का काम करता था। कैसे दुर्घटना हुई? वो शाम को जब छुट्टी हुई काम से, तो चाय पीने के लिए पैसा पाया, चौराहे गया और चाय पान पी के खा के जैसे रोड पे आया, तैसे पिकअप वाला ठोकर मार दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में मानवता को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है। यहाँ पर एक कश्मीरी चोर की राहगीरों ने जमकर धुनाई कर दी और गुस्से का इजहार कुछ इस कदर किया कि लात, घूंसे, बेल्ट जो भी हाथ में आया उसी से उसे पीट डाला। मामला मनोकामना मंदिर के सामने का है। अभी डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेकर आ रहा था, बीच में रुक गया मैं चने लेने के लिए, मूंगफली और चने, तो इनने मुझे भाप लिया और जब मैं चला पैदल तो ये दो स्कूटी पे थे, इन्होंने हाथ डाल के पीछे से पैसे निकाल लिए। तो मेरी वाइफ ने देख लिया तो मुझसे बोला कि एकदम पैसे निकाल लिए, मैंने दोनों को पकड़ लिया, तो एक भाग गया एक पकड़ा रहा है। तो कितने रुपये निकाल लिए आपके? निकाले नहीं, पकड़ लिया, ले लिए पैसे। पैसे गिर गए थे। कितने रुपये थे बैग में? पैसे नहीं थे, पैसे तो काफ़ी थे, मतलब मिल गए हमें पैसे। कौन सा मामला है? अभी यहाँ कवेलवे पुलिस चौकी के पास एक अमजद नाम का व्यक्ति दो महिलाओं के पर्स को छीनकर भागा, और जैसे ही वो पर्स छीनकर भागा, एक स्कूटर से था, उसके पीछे एक लड़का बैठा हुआ था, वो भागने में कामयाब हुआ, लेकिन अमजद नाम के व्यक्ति को यहीं के स्थानीय निवासियों ने पकड़ लिया और उसको पकड़ कर उसे अच्छे से उसकी धुनाई की, उसकी आईडी को चेक किया गया। जब उसकी आईडी को, उसके लाइसेंस को चेक किया गया तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर का एड्रेस लिखा हुआ है, वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। और उसके बाद में उसको रेलवे पुलिस चौकी के में सौंप दिया गया है, रेलवे पुलिस चौकी को दे दिया गया है उनसे। जबलपुर के उड़िया मोहल्ले और भरतीपुर में बीती रात दो अलग अलग पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना के बाद घायल और उनके साथी ओमती थाने पहुंचे, जहां देर रात दोनों ही पक्षों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर हंगामा किया जाता रहा। इस दौरान थाने में हड़कंप और अफरा तफरी मची रही। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया और घायलों की रिपोर्ट पर अलग अलग मामले दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। भैया रात में एक बलवा हुआ था, दो लड़के घायल थे जी। क्या नाम है उनका और किन लोग को मामला कायम है? किन धाराओं में? हाँ, दिनांक 24/2/19 के 22:30 बजे एक वहाँ झगड़ा हो गया था अपने झूलीलाल मंदिर के पास, तो उसमें एक लड़का ऋषभ यादव ये झूलीलाल मंदिर के पास रहता है, वो उसको चोट आई थी, और दूसरा है शिवांग यादव संजय यादव, ये भी झूलीलाल मंदिर के पास रहने वाला था, इसके पीठ में चोट लगी थी। और इसकी रिपोर्ट पर थाना ओमती में अपराध क्रमांक 61 धारा 294/323/506/336/147/148/402/402 का अपराध पंजीबद्ध जानू सोनकर, मन्नू गौड़, लक्की सोनकर, मंटू सोनकर, बाबा सोनकर, अंकित सोनकर, पवन सोनकर के खिलाफ किया गया है। और दूसरा एक और मामला है, इनके ऊपर बलवा भी लगा है? हाँ, बलवा भी लगा, बलवा तो किए ही थी ना, बलवा लगा है इनके ऊपर 43/47/147 लगा है। वहीं मेरठ के दोराला में किसी विवाद के चलते एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। हालांकि अभी कातिलों का सुराग नहीं मिला है, लेकिन पुलिस जल्द ही घटना का खुलासा करने की बात कह रही है। इसमें दोराला के पास में एक युवक की, जैसा बता रहे हैं वैसे हत्या हुई है। इसमें तथ्यों की छानबीन की जा रही है, मौके का निरीक्षण मेरे द्वारा भी किया गया और इसमें कुछ विवाद की बात सामने आई है, उन तथ्यों को देखा जा रहा है और जल्दी इसका अनावरण हो जाएगा। किस विवाद को लेकर हत्या की गई? कुछ आपसी विवाद थे जो विवेचना के संदर्भ में अभी प्रकट करना ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे बूथ शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे। इस दौरान शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि जिन राहुल बाबा को ये तक नहीं पता कि आलू जमीन के अंदर पैदा होता है या जमीन के ऊपर या फिर फैक्ट्री में, वो क्या देश चलाएंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन देश का भला नहीं कर सकता, मोदी के अलावा देश की सुरक्षा कोई नहीं कर सकता। आपको बता दें कि हिसार के पुराना राजकीय कॉलेज मैदान में मंच से अपने संबोधन में शाह ने कहा कि कांग्रेस ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। देश की सुरक्षा के साथ वोट बैंक के कारण आपने खिलवाड़ किया। तो नरेंद्र मोदी सरकार बनी, भाजपा सरकार बनी, असम के अंदर सर्वानंद सोनोवाल की सरकार बनी, हम एनआरसी लेकर आए। एनआरसी क्या है? देश में से घुस बेटियों को चूम चूम कर निकालने की व्यवस्था। मुझे बताओ मित्रों, घुस बेटियों को देश में से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? 40 लाख घुस बेटियों को चिन्हित किया। मैं तो घर से राज्यसभा में जाने के लिए निकला कि मोदी जी को बधाई दूंगा, राज्यसभा पूरी शोक सभा में कंप्लीट। ये राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी गांव 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 करने लगे। कहां जाएंगे, कहां रहेंगे? एक घुसपैठियों को क्यों निकालते हो? क्या खाएंगे? उनके ह्यूमन राइट का क्या होगा? क्यों भाई, चचेरे भाई लगते हैं क्या? मित्रों, इनके लिए घुसपैठिए वोट बैंक है, हमारे लिए घुसपैठिए देश की सुरक्षा पर खतरा। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। सारे दल भारतीय जनता पार्टी पर टूट पड़े कि घुसपैठियों को मत निकालो। कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, कम्युनिस्ट, चंद्रबाबू नायडू, सारे के सारे, उनको लगता है कि हम दब जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, तीन लोकसभा क्षेत्र के लोगों एक बार निर्णय कर दो, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, 19 के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यूपी के कौशाम्बी में ट्रॉमा सेंटर का लंबे इंतजार के बाद शिलान्यास हो गया। प्रदेश सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सिराथू तहसील के नरसिंहपुर कछुआ में विधि विधान से पूजा करने के बाद आधारशिला रखी। चिकित्सा मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर के निर्माण के लिए 2,10,92,000 रुपए मंजूर किया गया है। निर्माण का जिम्मा राजकीय निर्माण निगम को दिया गया है। संस्था को 1,05,00,000 रुपए भी दे दिए गए। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बेहद फिक्रमंद है। लोगों का आयुष्मान भारत योजना से कार्ड बनवाकर मुफ्त इलाज करवाया जा रहा है। पता उन लोग के दिल में क्या है, मगर हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका ये मानना है जो सफाई करता है और सफाई कर्मचारी और सफाई स्वच्छता ग्रही वो मेरे स्वास्थ्य विभाग के ही है। उन लोगों ने जो जिस तरह से कुंभ में काम किया और दिन रात किया है और स्वच्छ कुंभ बनाया, कभी कुंभ को स्वच्छ नहीं बोला जाता था, स्वच्छ कुंभ बनाया है जिसकी देश और विदेश में चर्चा हो रही है, उनका उन्होंने सम्मान किया है और दिल से भावना से किया है। एक थे महात्मा गांधी, उसके बाद कोई आया है व्यक्ति, वो है नरेंद्र मोदी जी। मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत महोबा में कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 23 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा और साथ जीने मरने की कस्में खाई। नगर पालिका अध्यक्ष दिलाशा सौरभ तिवारी ने वर वधु को आशीर्वाद देते हुए उपहार भी भेंट कर उन्हें विदा किया। और अब बात करते हैं यूपी के शामली की, जहां गांव फतेहपुर में जंगल में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग की टीम को दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को तलाश करने में जुट गई। बता दें कि अंधेरा होने के कारण टीम को वापस लौटना पड़ा। मटियाला सा था। अच्छा, मटियाला से रंग का था। धारी कैसी थी? धारी भी थी? धारी नहीं थी। धारी नहीं थी, प्लान था। आपके अंदाजे में क्या था? ये बता रहे हैं कि जैसे ये रंग है मटमैला रंग का था। हाँ जी। और लंबी पूंछ थी, 6 फुट लंबा था। हाँ जी। ऐसा चित्ते पर तो धारी होती है जी। और
जो टाइगर जिसको बोल रहे हैं उस पर तो उसकी पीले और सफ़ेद रंग की धारी होगी मटमेले रंग की, तो पूरा मटमेला नहीं होता है, पीले रंग का होता है। और बाकी जो है निशान जो हमें ये सुबह भी जाएंगे अब भी देखे ये निशान अब दिखाई दिए, यदि कहीं जहाँ कोई गीला है वहाँ को उसके पैरों के निशान होंगे बाग बाग में निशान, उसके बाग में मतलब अब तो मिला नहीं है, सुबह देख लेंगे। आपको क्या महसूस हुआ सर? हमें तो अभी तो जो इनके इनके बताने से जो है वो चीता ना तो नहीं हो सकता, लेकिन जो कैसा है मटमैले रंग का क्या जानवर हो सकता है वो पैरों के निशान से ही पता चलेगा। और वहाँ पैरों के निशान पे हम जाएंगे, उसको जो है अब तो दिखाई नहीं दिया, कहीं जहाँ गिल्ला होगा उसके निशान आ जाएंगे, उसको निशान अब तो दिखाई नहीं दिए। अब मैंने इनको रोका भी है मगर तुम ना हट जाओ, सुबह देखेंगे रोशनी में जो है तो उसमें निशान मिलेंगे तो बताते क्या हो सकता है। मेरठ में हत्याकांड के गवाह की हत्या करने की कोशिश करना या उनको मार देना अब आम बात हो चुकी है, जहां एक बार फिर एक अधिवक्ता की हत्या में चश्मदीद गवाह उसकी ही पत्नी को जान से मारने की कोशिश की गई, उस पर जानलेवा हमला किया गया है। गनीमत रही कि गोलियां महिला को नहीं लगी और उसकी जान बच गई। क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम है आयशा, मैं एडवोकेट इमरान की वाइफ हूं और मेरे घर पे अभी अभी थोड़ी सी देर पहले मैं पानी भर रही थी, पानी भरते भरते दो मोटरसाइकिल पाए और एकदम फायर करनी शुरू कर दिया। तू फैसला नहीं होने दे रही, तुझे और तेरे परिवार को अभी निमटावेंगे। किस बात का फैसला मान? मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उन्होंने खुद घर में कत्ल करा था उन्होंने, हम बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। 100 नंबर पे भी हमारा फोन नहीं मिल रहा, थाने वाले हमें कुछ भी नहीं समझ रहे, अगर मार जाएंगे बिल्कुल ही। और अभी हम कई तारीख को गए थे, चौथा दिन 22 तारीख की तारीख थी, उस दिन भी हमारे पीछे मोटरसाइकिल आ गया पीछे थी, उस दिन भी हम बचे। एसपी देहसर थाना सरदना में गवाह पे गोली चलने की सूचना है, क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना सरदना के घोसियाना मोहल्ले में एक आयशा जी रहती हैं जिनके पति की अभी थोड़े दिन पहले हत्या हो गई थी। आज उन्होंने ऐसी सूचना दी है कि उन पर गोली चलाई गई है। एसओ सरदना मौके पर गए हैं, उनको आदेश दिए गए हैं कि फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सीन का रिकंस्ट्रक्शन कराया जाए तथा देखा जाए कि क्या मामला है, इस पर आगे की जाँच मिलते ही और अधिक जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CMN, तब तक के लिए नमस्कार।